लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के स्लम इलाकों के रहवासी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चिंतित हो गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है। जाहिर है स्लम इलाकों में रहने वाले 40% से अधिक लोगों के पास न तो इंटरनेट है न ही स्मार्टफोन है। ऐसे में वैक्सीन पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की मुसीबत हो रही है। मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन ने मनपायुक्त को निवेदन देकर ऐसे स्लम इलाकों में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराने और 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को भी वैक्सीन देने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में जब से कोविड वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, तब से शहर के स्लम इलाके टीका अभियान से पिछड़ते जा रहे हैं। नवी मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन ने आज इस मुद्दे पर मनपायुक्त से मुलाकात की और झोपड़पट्टी इलाकों में कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर चालू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्लम इलाकों में अधिकांश लोगों के पास न तो स्मार्टफोन है न ही इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे लोग वैक्सीन से वंचित न रहें, इसलिए उनके रजिस्ट्रेशन के लिए स्लम इलाकों में सेंटर प्रारंभ करना जरूरी है। नासिर हुसैन ने 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं के लिए भी टीका उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर युवाओं को प्रभावित कर सकती है, इसलिए युवा वर्ग का भी त्वरित वैक्सीनेशन होना चाहिए। जिनके पास लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर बैठे हैं, न उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है न स्मार्टफोन है, तो आखिर ये बात मुद्दा बहुत बड़ा है कि वो कैसे बुक करेंगे। ना उनके पास स्मार्टफोन है ना इंटरनेट है, वो लॉकडाउन की वजह से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि इंटरनेट की शॉप खुल नहीं रही है, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वो वैक्सीन से वंचित ना रह जाए। आप देखिए सानपाड़ा और बेलापुर, यहाँ वैक्सीन सेंटर अभी है नहीं, मगर आज कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ सानपाड़ा और बेलापुर में भी, ताकि वैक्सीन स्पीड पकड़े। मगर आप जान रहे वैक्सीन का प्रोसेस काफ़ी स्लो है, पीछे से वैक्सीन भी कम आ रहा है, तो वो एक मजबूरी है। फिर भी इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वैक्सीन का स्पीड बढ़ाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नई मुंबई में 16 लाख की आबादी है, जिसमें से आधी आवाम झोपड़पट्टी इलाकों में रहती है। यदि मनपा स्लम इलाकों में रजिस्ट्रेशन सेंटर चालू कराती है तो इससे इतनी बड़ी आबादी को आसानी से टीका मिल सकेगा। नासिर हुसैन ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 60% शहरी इलाकों में वैक्सीन करने के बाद भी हम कोरोना को नहीं हरा सकेंगे। सलम एरिया का एक भी लोग अगर वंचित रह गया तो ये कोरोना में हमारी जीत नहीं होगी, ये कोरोना स्प्रेड करेगा, तो उनको भी वैक्सीन करें जो उनका राइट और लाइट टू लाइव है, उनको जीने का हक उनको भी है। आपको मुझसे ज़्यादा हालात मालूम है, ज़मीनी हालात। आप 70% को वैक्सीन करके अगर 30% को छोड़ देते हैं तो फिर हम वहीं आ जाएंगे जहां से चले थे, तो वो उस पे हमें करना ही पड़ेगा। अभी तक कमिश्नर साहब के पास ऐसा प्लान नहीं था, मगर उन्होंने बोला ये अच्छी मुद्दा आपने लाया है और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, बहुत जल्द मैं इस पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बात मैंने अपनी सरकार तक भी बात पहुँचा रहा हूँ, कल हो सकता है मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलूँ, उनको भी ये बातों को उनके जहन में भी मैं लाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।